नेशनल डिफेंस एकेडमी। एक कई लोगों का एम होता है, कई लोगों का सपना होता है और कई लोगों का ऑप्शन होता है। मैं मानता हूँ सपना कभी भी टूट सकता है, बट एम गोल कभी नहीं टूट सकता है, टारगेट कभी नहीं टूट सकता है और उसको हर हाल में पाना है। और आज हम बात करेंगे मेजर महेश शर्मा के बारे में। और मेजर महेश शर्मा के अंदर इतना जज्बा और डेडिकेशन था कि तकदीर और मौत ही उसके आगे झुक गए। एनडीए तो क्या ही है। तो चलिए दोस्तों मेजर महेश शर्मा के बारे में जानते हैं। माइक नाम निकनेम से मशहूर मेजर महेश शर्मा जन्म लिए थे 1978 13 जनवरी हरियाणा में एक छोटे से गाँव में। मेजर महेश शर्मा के फादर एक छोटे बिजनेसमैन थे और जो लोग सोचते हैं एक सिविलियन का बच्चा कभी भी फौजी नहीं बन सकता, ऐसा कोई नहीं है। अब फौजी का बेटा फौजी नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही बनेगा। सेना मेडलिस्ट मेजर महेश शर्मा छोटे उम्र से ही थोड़ा दुकले पतले और पढ़ाई में अच्छा नहीं थे, बट बोलते हैं ना कोई कम इम्पॉसिबल नहीं है। डेडिकेशन के साथ एम के अचीव करने का जुनून छोटे से ही मेजर महेश शर्मा के अंदर थे। मेजर महेश शर्मा के फादर और उसके बड़े भाई सोचते हैं कि उससे कुछ नहीं होगा, और उसके बाद मेजर महेश शर्मा ने उसके फादर और उसके बड़े भाई से चैलेंज किया कि मैं एनडीए तोड़ के ही रहूंगा। तोड़ भी दिया उन्होंने, एनडीए क्वालिफाई तो कर दिया, उसके साथ साथ उसका स्क्वाड्रन में भी अच्छा परफॉर्मेंस करने लगा। उसके बाद उन्होंने 1999 में आईएमए भी पास आउट हुए और उसके बाद शुरू हुआ असली जर्नी। और फाइनली गांव का लड़का, एक सिविलियन का लड़का, फर्स्ट पैरा इसे ज्वाइन किया 2003 में। और मेजर महेश शर्मा एडवेंचर, हार्डवर्क और रिस्क वाला जिंदगी ज्यादा पसंद करते थे। मेजर महेश शर्मा के फेवरेट काम थे आतंकवादी को मारना और अंडरग्राउंड ऑपरेशन में इंप्रूव होना। और 2009 में एक ऑपरेशन के टाइम उन्होंने दोस्त के छुट्टी को कुर्बानी करके, उसका छुट्टी को कुर्बानी करके ड्यूटी और ऑपरेशन में डटे रहे लास्ट तक। और कश्मीर में एक अखुंड जंगल में ऑपरेशन के टाइम आतंकवादी के लड़ाई के उसके मौत हो गया। 21 मार्च 2009 में इंडिया एक वीर पुरुष को खो दिया और मेजर महेश शर्मा शहीद हो गए। बोलते हैं ना जिससे दुनिया का कोई उम्मीद नहीं रहता वही लोग दुनिया पलट के रख देते हैं। बाद में मेजर महेश शर्मा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कर दिया गया था। तो दोस्तों कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, एनडीए तो क्या ही है। आपके अंदर जज्बा, जुनून और डेडिकेशन होना चाहिए जो आपको एनडीए खड़क फसला पुणे तक ले जाएगा। तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं हम एनडीए छोड़ेंगे नहीं।